नमस्कार साथियों, आज हम लोग मल्टीकल्चरलिज्म पे बात करेंगे, बहुसांस्कृतिकता पे बात करेंगे। पहले तो हम समझते हैं कि संस्कृति क्या होता है, और इस पे हम लोगों ने पहले चर्चा की हुई है, इसलिए संक्षेप में बस मैं आपको ये बताऊंगा कि जब कोई मनुष्यों का समूह या सामाजिक समूह कुछ विश्वासों के साथ, कुछ दृष्टिकोणों के साथ और कुछ मूल्यों के साथ जीवन जीता है, तो इस प्रकार से जीवन जीने वाले समाज की एक अपनी संस्कृति होती है, और वो दूसरे समाजों से भिन्न हो सकती है। तो हर समाज की एक अपनी संस्कृति होती है, जिसमें मूल तत्व हैं कि एटीट्यूड, बिलीव्स एंड वैल्यूज, अर्थात आपका दृष्टिकोण, आपके विश्वास और आपके मूल्य, ये आपके प्रमुख तत्व होते हैं जो आपको एक संस्कृति के रूप में परिभाषित करते हैं। अब जब बहुसांस्कृतिक की बात आती है, तो जाहिर है कि बहुसांस्कृतिक में ये अवधारणा स्वयं ही एक प्रकार से स्पष्ट है कि वहाँ किसी भी समाज में एक मूल्य, एक दृष्टिकोण और एक प्रकार के विश्वासों के साथ जीने वाले समुदाय नहीं हैं, बल्कि विभिन्न दृष्टिकोण, विभिन्न विश्वासों, विभिन्न मूल्यों के साथ जीने वाले अनेक सामाजिक समूह या समुदाय हैं। तो जब कोई समाज इस प्रकार का होता है, जिसमें एटीट्यूड्स, बिलीव्स और वैल्यूज की कोई एक समरूप परिभाषा नहीं होती है, विभिन्नता, विभिन्न एटीट्यूड्स, विभिन्न दृष्टिकोण, विभिन्न विश्वास, विभिन्न मूल्यों के साथ कोई समाज जीता है, तो ऐसे समाज को हम बहुसांस्कृतिक समाज कह सकते हैं। अब ये जो बहुसांस्कृतिकता है या मल्टीकल्चरलिज्म है, इसका जो आया, ये एक दृष्टिकोण जो डेवलप हुआ, इसके डेवलपमेंट के पीछे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो हमारा एक डेमोक्रेटिक परिदृश्य पूरे विश्व में रहा, कि पूरे विश्व में एक प्रकार से आपने देखा कि लोकतांत्रिक समाजों की स्थापना हुई, डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़ का आगाज हुआ, और बहुत सारे डेमोक्रेसीज जब बने, तो उन तमाम डेमोक्रेसीज में हमने देखा कि बहुत सारे सांस्कृतिक और धार्मिक या भाषाई या रेशियल बहुत सारे डिफ्रेंसिएशंस थे, बहुत सारे ऐसे समाज थे जिसमें कि समरूप समाज नहीं था, वो कोई जाति, धर्म, भाषा, संप्रदाय, क्षेत्र या किसी एक चीज़ पे, एक तत्व पे आधारित कोई समाज नहीं थे, उसमें बहुत सारी विविधताएं आ गई थी समाजों में डेमोक्रेटाइजेशन के परिणाम स्वरूप। बहुत सारे लोग इधर से आए, उधर से आए, दूसरे देशों से आए, और इस प्रकार से देखा गया कि समाज में रहने वालों की जो संख्या है, वो जब उसको की गणना की गई, तो ये महसूस हुआ कि उसमें तो नाना प्रकार के दृष्टिकोण, नाना प्रकार के विश्वास, नाना प्रकार के मूल्यों के साथ जीने वाले सामाजिक समूह सब समाहित हैं। तो ऐसी स्थिति में एक प्रकार से एक समस्या ये पैदा हुई कि जब डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स आप करते हैं, तो डेमोक्रेसी की तो मूल भावना होती है कि आप एक प्रकार से बहुसंख्यक या बहुमत के साथ ही किसी प्रकार के निर्णयन की प्रक्रिया पे पहुंचते हैं। यही डेमोक्रेसी का मूल है कि भाई सब लोग, जो बात ज़्यादा लोगों को पसंद हो वो बात मानी जाए। तो ऐसी स्थिति में इशू ऑफ माइनॉरिटीज क्रॉप अप हुआ कि फिर अल्पसंख्यकों की का क्या होगा, क्या उनकी बात का भी कोई वजन होगा कि नहीं होगा, उनकी भी आवाज़ सुनी जाएगी कि नहीं नीति निर्माण में या नीति निर्णयन में। और इस प्रकार से माइनॉरिटीज़ की अस्मिता को लेकर एक दृष्टिकोण डेवलप हुआ, उसी का नाम बहुसांस्कृतिकता था, मल्टीकल्चरलिज्म है। तो बेसिकली मल्टीकल्चरलिज्म जो है वो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स पे फोकस करता है, जहाँ पे कि हम विभिन्न माइनॉरिटीज़ के अस्मिताओं के बारे में चिंतित होते हैं और सोचते हैं कि कैसे उनको समाज में इंटीग्रेट किया जाए। आप जानते हैं कि जब ये मुद्दा उठा, तो इसमें दो लोगों के नाम, दो विचारकों के नाम बहुत प्रमुखता से आते हैं, जो आपको हमेशा याद रखना चाहिए। एक है विल केम्लिका का और दूसरा है भिखू पारिख का। विल केम्लिका और भिखू पारिख के अलावा भी बहुत से विद्वान हुए हैं, और ऐसे जो विद्वान हुए हैं, उन लोगों ने पहला सुझाव तो ये दिया कि भाई किसी डेमोक्रेटिक सोसाइटी में जो माइनॉरिटीज़ होती हैं, उनको स्टेट इंटरफेरेंस से एग्जेम्प्ट कर दिया जाए, अर्थात किसी समाज में माइनॉरिटी जो चाहे वो करे, स्टेट उसमें हस्तक्षेप ना करे। जाहिर है कि ये कोई बहुत ही
एक्सेप्टेबल प्रपोजिशन नहीं था इसलिए, लेकिन ये एक सुझाव आया। दूसरा सुझाव विल केमलिका ने दिया जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, और वो उन्होंने कहा कि भाई ऐसा किया जाए कि बहुत सारे जो समाज में ग्रुप्स हैं जो कल्चरली डिफरेंट हैं, धर्म के आधार पे, भाषा के आधार पे, संस्कृति के आधार पे भिन्न हैं, उनको ग्रुप डिफरेंशिएटेड राइट्स दे दिए जाएँ, अर्थात एक ग्रुप को कुछ विशेष प्रकार के अधिकार दे दिए जाएँ। हो सकता है कि वे अधिकार ग्रुप सेंट्रिक हों और दूसरे ग्रुप को कुछ दूसरे प्रकार के अधिकार दे दिए जिसकी वो मांग करता हो, तीसरे ग्रुप को कुछ तीसरे प्रकार के, अर्थात हर ग्रुप को फोकस करके उस ग्रुप के हित के लिए, उस ग्रुप के सोशल इंटीग्रेशन के लिए ग्रुप डिफरेंशिएटेड राइट्स दे दिए जाएं, जो सामान्य अधिकार तो उनको होंगे ही लेकिन उसके अलावा कुछ उनको स्पेशल राइट्स भी ग्रुप्स को दे दिए जाए। ये विल केमलिका का सुझाव था। भीखू पारिख ने इसमें दो तीन चीज़ें और जोड़ी और वो दो तीन चीज़ें भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने कहा कि देखिए केवल उनको अधिकार ही मत दीजिए बल्कि कल्चरली डिफरेंशिएटेड एप्लीकेशन ऑफ लॉ भी करिए, अर्थात एक सामाजिक समूह के लिए आप कानून बनाएं तो ज़रूरी नहीं कि वो दूसरे सामाजिक समूह पर लागू हो। तो आप ऐसे भी कानून बना सकते हैं जो ग्रुप सेंट्रिक हो, अर्थात एक ग्रुप के लिए एक कानून बनाइए, दूसरे ग्रुप के लिए दूसरा कानून बनाइए, क्योंकि वो सब उनकी रिक्वायरमेंट्स अलग हैं, उनके एस्पायरेशंस अलग हैं, उनकी इच्छाएँ अलग हैं, उनकी समस्याएँ अलग हैं, तो उनके समाधान के लिए आप ग्रुप सेंट्रिक ग्रुप डिफरेंशिएटेड पॉलिसीज़ बनाए, ग्रुप डिफरेंशिएटेड लॉज बनाए। पहला सुझाव उन्होंने ये दिया भीखू पारिख ने। दूसरा सुझाव उन्होंने दिया कि उनमें जितने भी माइनॉरिटीज़ हैं, माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं, उन तमाम ग्रुप्स को स्टेट जो है एफर्मेटिव एक्शन के द्वारा कुछ लाभ पहुंचाने की कोशिश करे, और तीसरा जो जितने भी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस हैं उनको भी राज्य सहायता दे। ये कुछ प्रकार के सुझाव आए, बहुत सारे सुझाव लोग देते रहते हैं लेकिन चूंकि विल केमलिका और भीखू पारिख का नाम जब भी मल्टीकल्चरलिज्म की बात आएगी तो आपको अवश्य लेना पड़ेगा और आपको जानना चाहिए, इसलिए इनके द्वारा जो सुझाव दिए गए थे मैंने उसी का विशेष उल्लेख किया है, लेकिन आप पढ़िएगा और लोगों की भी बातें। इसका आगाज कैसे हुआ, मल्टीकल्चरलिज्म शुरू कैसे हुआ, 1970s में कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, यूएसए में, इंग्लैंड में, फ्रांस में, बहुत सारे देशों में इसका शुरुआत हुई। और जो हम लोगों ने पिछला वीडियो हमने जो बनाया था एक दो दिन कुछ समय पूर्व, उसमें हम लोगों ने राज्य राष्ट्र और राष्ट्र राज्य की बात किया था, अर्थात नेशन स्टेट और स्टेट नेशन की बात किया था। और जैसा कि हम लोगों ने चर्चा किया था कि ज़्यादातर प्री वर्ल्ड वॉर के पहले, वर्ल्ड वॉर के पहले ज़्यादातर जो डेवलपमेंट थे वो ये था कि होमोजेनाइज्ड स्टेट थे, कल्चरली होमोजेनियस स्टेट थे, अर्थात एक नेशन ही एक स्टेट था, एक स्टेट ही एक नेशन था। तो नेशन और स्टेट आइडेंटिकल टर्म्स हुआ करते थे जो कि चैलेंज हो गए क्योंकि डेमोक्रेटाइजेशन के कारण डाइवर्सिटी बढ़ी, और जब डाइवर्सिटी बढ़ी तो वो होमोजेनाइजेशन जो है वो डिस्टर्ब हुआ और उसमें हेटरोजेनिटी आ गई, अर्थात एक समाज में अब होमोजेनियस कंपोजिशन नहीं है, उसमें हेटरोजेनिटी आ गई, और जब हेटरोजेनिटी आ गई तो जाहिर है कि अब वो जो नेशन स्टेट का जो कॉन्सेप्ट था वो चैलेंज हुआ। और तब वो जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि देन वी मार्च टूवर्ड्स द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट नेशन, अर्थात एक ऐसा राज्य जिसमें बहुत सारी संस्कृतियां निवास कर सकती हैं, इस पे हम लोगों ने चर्चा किया था। आइए देखिए देखिए जो मल्टीकल्चरलिज्म है ये क्या है, क्या चीज़। तो वास्तव में पहले क्या है इसको समझने से पहले दो चीज़ें क्लियर करना चाहते हैं कि ये क्या नहीं है। पहली चीज़ तो ये कि ये कोई पॉलिटिकल डॉक्ट्रिन नहीं है, ये कोई राजनीतिक सिद्धांत नहीं है मल्टीकल्चरलिज्म, और दूसरी चीज़ ये कि ये कोई दार्शनिक स्कूल भी नहीं है। तो ये वास्तव में एक दृष्टिकोण है और मानव जीवन को देखने का एक दृष्टिकोण है, और एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि एक ऐसा टर्म है जिसमें कि जो मार्जिनलाइज सेक्शंस हैं, जो प्लूरालिटीज़ हैं, जो डाइवर्सिटीज़ हैं, जो माइनॉरिटीज़ हैं हमारे किसी भी समाज में, बहुसांस्कृतिक समाज में, डाइवर्स सोसाइटी में, ये उनके मॉरल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के बारे में चिंतित है और उसी की बात करता है। भीखू पारिख ने तीन
बास ने इसके अंतर्दृष्टि के रूप में दिया, इनसाइट्स के रूप में कहा कि जो ये जो दृष्टिकोण है जीवन के प्रति, ये जो दृष्टिकोण है मल्टीकल्चरलिज्म, इसमें इस दृष्टिकोण में तीन खास बातें हैं और वो हमें समझनी चाहिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है। पहली चीज़ तो ये है कि कोई भी जो मनुष्य होता है वो मनुष्य एक अपनी संस्कृति की उपज होता है, एक संस्कृति में वो गढ़ा होता है, एक संस्कृति से उपजा होता है और वही संस्कृति उसके तमाम दृष्टिकोणों को और सामाजिक संबंधों को परिभाषित करती है। हाँ, और ये भी है कि वो संस्कृति उसको इस कदर प्रभावित करती है, इस कदर इन्फ्लुएंस करती है कि यद्यपि उसके बहुत सारे दृष्टिकोण और व्यवहार और इंटरेक्शन उससे प्रभावित होते हैं, लेकिन उसमें ये क्षमता होती है कि वो चाहे तो उसे आउटग्रो भी कर सके, है ना, उससे आगे निकल के भी कुछ काम कर सके। तो पहली चीज़ तो ये चीज़ होती है मल्टीकल्चरलिज्म की, जो अंतर्दृष्टि है वो की है कि वो रिकग्नाइजेज द कल्चरल एम्बेडेडनेस ऑफ द ह्यूमन बींग्स, पहली चीज़। दूसरी चीज़ वो ये रिकग्नाइज करती है कि जो कल्चर है, कोई भी जो संस्कृति है, उसमें जो प्लूरैलिटी है वो इनएविटेबल है। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी एक संस्कृति होती है वो अपने एक अच्छे जीवन के मूल्यों के आधार पे, दृष्टिकोण के आधार पे चलता है कि भाई हर संस्कृति को एक परिभाषित करने का राइट है कि अच्छा जीवन कैसा होता है, लेकिन वो संस्कृति कितना भी अच्छे जीवन को परिभाषित कर ले, लेकिन वो संपूर्ण सत्य को परिभाषित नहीं कर सकती, क्योंकि अन्य संस्कृतियाँ भी अच्छे जीवन को परिभाषित करती हैं और जाहिर है कि उन संस्कृतियों के भी अच्छे जीवन की परिभाषा में कुछ न कुछ सत्यांश अवश्य होता है। और इसलिए यह संभव है कि हम अपने संस्कृति का पालन करते हुए एक अच्छे जीवन को जी सकें, लेकिन ये भी संभव है कि हम अगर अच्छे जीवन अपने ही संस्कृति के अनुसार एक अच्छे जीवन का पालन करते रहें तो हो सकता है कि हम और संस्कृतियों का लाभ न ले सकें। इसलिए बहुत बेहतर होगा कि हम दूसरे संस्कृतियों के लिए भी ओपन अप हों, दूसरे संस्कृतियों से भी इंटरैक्ट करें और ये देखें कि हम उनके जो संस्कृतियों की खसूसियत है, वो दूसरे जो संस्कृतियों की खास बातें हैं उसको लेकर अपने संस्कृति को हम और एनरिच करें। और ये ज़रूर है कि हर संस्कृति जो है वो अपने को दूसरे के ऊपर इम्पोज करना चाहती है, लड़ाई ही इसी बात की है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ सिविलाइजेशंस है, एक प्रकार से कॉन्फ्लिक्ट ऑफ कल्चर्स है कि हर जगह हम ये चाहते हैं कि साहब हमारा डोमिनेंस हो, हमारी बात को ऊपर रखा जाए। क्यों ये हम नहीं बता पाते, बस हम कहते नहीं हमारी बात ऊपर रखी जाए। तो ये मल्टीकल्चरल इसका विरोध करता है और कहता है कि अगर किसी संस्कृति में कोई परिवर्तन आना है तो वो उसके अंदर से आना चाहिए, दूसरे लोग उस पे इंपोज ना करें। तो ये दूसरा दृष्टिकोण मल्टीकल्चरलिज्म का है, पहला ह्यूमन एम्बेडेड कल्चरल एम्बेडेडनेस ऑफ द ह्यूमंस, और दूसरा कि ईच कल्चर इज हैविंग अ प्लूरल एस्पेक्ट, ईच कल्चर हैज यू नो, हर कल्चर का जो है एक प्रकार से जो प्लूरैलिटी है वो इनएविटेबल है, वो उसमें दूसरे संस्कृतियों से प्रभावित होने की, उसमें अपने को एनरिच करने की ये प्रवृत्ति ज़रूर होनी चाहिए, ये उसकी दूसरी खास बात है। और तीसरी एक बड़ी अहम बात ये स्वयं करता है कि प्रत्येक जो संस्कृति है वो वास्तव में अगर उसका कंपोजिशन देखा जाए, उसका स्ट्रक्चर देखा जाए, तो वो स्वयं ही एक बहुसांस्कृतिक स्वरूप होता है। और उसका कारण ये है कि किसी भी संस्कृति में वास्तव में किसी भी संस्कृति को आप देखें तो उसमें सब कल्चरल कंपोनेंट्स बहुत होते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम कह दें कि साहब किसी देश की कोई संस्कृति है, लेकिन जब उस देश में आप जाते हैं और एक सामाजिक समूह को भी लेते हैं तो उस सामाजिक समूह में भी बहुत सारी आपको सब डिविजन्स दिखाई देते हैं, सब कल्चरल वेरिएशंस दिखाई देते हैं। और इसलिए अगर वास्तव में कोई संस्कृति का गहन अन्वेषण किया जाए तो हमको ये लगेगा कि कोई भी संस्कृति जो अपने को एक संस्कृति के रूप में परिभाषित करती है वर्चुअली वो तो इट्सेल्फ इज ए कॉन्ग्लोमरेट ऑफ सेवरल सब कल्चरल यू नो कंपोनेंट्स, उसमें बहुत सारे जो सब कल्चरल एलिमेंट्स होते हैं वो सब मिला के उस संस्कृति को परिभाषित करते हैं। और इसलिए किसी भी संस्कृति का स्वरूप जो है अगर स्ट्रक्चर देखा जाए तो स्वयं वो अपने आप में मल्टीकल्चरल होता है। और इसमें एक ख़ास बात ये है
कि वही संस्कृति बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है जो अपने सब कल्चर्स के अंदर एक डायलॉग करती रहे। जैसे अगर मान लीजिए हम लोग कहें कि भारतीय संस्कृति, तो भारतीय संस्कृति में अगर तमिल संस्कृति और पंजाबी संस्कृति का डायलॉग हो, तेलुगु संस्कृति और बंगाली संस्कृति का डायलॉग हो, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि वो कितना एनरिचिंग एक्सपीरियंस होगा। दोनों एक दूसरे से बेनिफिटेड होते हैं और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हम अपनी जो कल्चरल ऑटोनॉमी है वो बनाए रखें, लेकिन उस कल्चरल ऑटोनॉमी को बनाए रखने में हमें दो चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। पहले ये कि हम अपने कल्चर के सब कल्चर से बेनिफिटेड हों, और दूसरा कि हम दूसरे जो कल्चर्स हैं एक्सटर्नल जिनको हम कहते हैं उनसे भी हम लाभ लेने की कोशिश कर सकें। तो जो मल्टी कल्चरल दृष्टिकोण है वो इन दोनों चीज़ों को एडवोकेट करता है और ये कहता है कि जो कल्चर्स अपने को क्लोज कर लेते हैं उनमें एक प्रकार का भय होता है, वो डरते हैं दूसरे कल्चर से और इसलिए वो दूसरे कल्चर के कांटेक्ट में नहीं आना चाहते हैं, दूसरे कल्चर से बातचीत या संवाद नहीं करना चाहते हैं। वास्तव में ऐसा नहीं करना चाहिए। जब जितना ही आप दूसरे कल्चर से अपने को एक्सपोज करेंगे, जितना ही आपका डायलॉग होगा दूसरे कल्चर से, जितना ही आप दूसरे कल्चर से इंटरेक्ट करेंगे, उतना ही आप उसको इन्फ्लुएंस कर पाएंगे और उस कल्चर से स्वयं को भी आप बेहतर बना पाएंगे, और इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मल्टीकल्चरलिज्म का जो बेसिक पर्सपेक्टिव है, जो दृष्टिकोण हो, वो यही है कि इन तीनों में एक प्रकार से इंटरप्ले होना चाहिए कि जो ह्यूमन एम्बेडेडनेस है, जो हमारा प्लूरालिटी का कॉन्सेप्ट है, और जो हमारा स्वयं एक कल्चर का जो इंटरनल कंस्ट्रक्शन है वो एक मल्टीकल्चरल होता है। इन तीनों में जब हम डायलॉग करते हैं तब जाके एक मल्टीकल्चरल या बहुसांस्कृतिक दृष्टिकोण की संरचना होती है। जो भी हम मल्टीकल्चरल सोसाइटीज़ की परिकल्पना करते हैं उसमें एक समस्या ये होती है कि जब किसी समाज में बहुत सारी संस्कृतियाँ या बहुत सारे कल्चर्स निवास करते हैं तो एक प्रॉब्लम ऑफ यूनिटी की आती है। जैसे भारतीय संस्कृति है तो भारतीय संस्कृति में हम देखते हैं कि बहुत सारी डिवर्सिटी है, बहुत सारा विभिन्नताएं हैं, और हर समय एक मुद्दा ये रहता है कि क्या वास्तव हम एक हैं। लेकिन हम लोगों ने हमेशा ये महसूस किया है कि जब भी कोई संकट की बात आती है, जब भी कोई ख़ास बात आती है जो जिसमें पूरा देश का इंटरेस्ट इन्वॉल्व होता है, तो पूरा देश एक जुट हो जाता है। तो कैसे वो एकजुट हो जाता है, कैसे उसको समझाया जाए कि वो क्यों एकजुट हो गया, कौन सी उसमें खास बात थी जो उसको एकजुट होने में सहायता करती है। जाहिर है कि कोई एथनिक एलिमेंट तो हो नहीं सकता, कोई भाषा, कोई दृष्टिकोण, कोई विश्वास, कोई मूल्य तो ऐसा हो नहीं सकता जो कि हमें कहे कि हम सब लोग अचानक एक हो गए, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो फिर ऐसी क्या बात होती है, और वो बात ये होती है कि जो हमारी पॉलिटिकल कम्युनिटी है, जैसे जो हमारा भारत वर्ष है, यूनियन ऑफ इंडिया, ये एक पॉलिटिकल एंटिटी है, और उस पॉलिटिकल एंटिटी के प्रति हमारा एक कमिटमेंट होता है कि हाँ भाई हमारे अंदरूनी डिफरेंसेस चाहे जो भी हों बट इंडिया मस्ट रिमेन इंटैक्ट। तो ये जो भावना है यही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो मल्टीकल्चरल सोसाइटी में ये एक प्रॉब्लम होती है कि इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी होती है कि जब तक एक अच्छी पॉलिटिकल लीडरशिप ना हो तब तक वो ये एलिमेंट ऑफ यूनिटी को कैटलाइज नहीं कर पाती, एलिमेंट ऑफ यूनिटी को उभार नहीं पाती है। और जब अच्छी लीडरशिप देश में होती है तो इस एलिमेंट ऑफ यूनिटी को वो कैटलाइज कर देती है, वो उभार देती है, और तमाम विभिन्नताओं के बाद भी हम लोग देखते हैं कि देशभक्ति की भावना या पेट्रियोटिज्म की भावना ऐसे मौक़ों पे पूरे देश में आ जाती है और सारे लोग विभिन्नता को दरकिनार करके, सारे जो सब कल्चरल वेरिएशंस हैं वो अपने डिफरेंसेस को भूल करके एक कॉमन कॉर्ड, एक कॉमन लय और ताल में आपस में चार चलते हैं और देश को उस पॉलिटिकल एंटिटी को बचाने की कोशिश करते हैं। अब इसमें कभी कभी एक मुद्दा ये उठता है कि साहब जो इसमें माइनॉरिटीज़ हैं, बहुत सारे माइनॉरिटीज़ होते हैं, किसी जाहिर है कि हो एक मेजॉरिटी कम्युनिटी होगी और बहुत सारे माइनॉरिटी कम्युनिटी होगी, तो इसमें जो मिनॉरिटी कम्युनिटी हो है, वो बहुत सारे आलोचनाएं करते रहते हैं क्योंकि भाई जाहिर है कि उनको तरह तरह के कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि चीज़ें उनके अनुकूल नहीं जा रही हैं। तो जो मल्टीकल्चरल दृष्टिकोण है वो ये मानता है कि उनकी आलोचनाओं को
तरजीह देना चाहिए, लेकिन उससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। उनकी कितनी भी कठोर और कटु आलोचनाएं हो, लेकिन उसको तवज्जो जरूर देना चाहिए, लेकिन उसको कोई ये नहीं मानना चाहिए कि साहब इट इज़ एन एक्ट ऑफ बिट्रेयल या इट इज़ एन एक्ट ऑफ डिसरिस्पेक्टिंग पेट्रियोटिज्म, उस अर्थात उसमें राष्ट्रीयता की भावना की कमी आ गई। तो आलोचना कितनी भी कठोर हो, लेकिन वो राष्ट्रीयता की भावना के विरुद्ध नहीं होती, वो देशद्रोह के श्रेणी में नहीं आती है, वो वास्तव में फिर भी आलोचना के ही श्रेणी में आएगी। वो सही भी हो सकती है, वो आलोचना गलत हो सकती है, वो एक पॉलिटिकल एंगल है उसका। लेकिन जो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो आलोचनाएं है होती हैं उससे बहुत ज़्यादा हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे देश में एकता नहीं है या हमारे देश की एकता खतरे में है। तो ये चीज़ अपने ध्यान में रखने की है। अब बहुसांस्कृतिकता की जो एक दो प्रमुख आलोचनाएं होती हैं उस पर भी कुछ दृष्टिकोण डाल लेते हैं। पहला तो ये आलोचना जो हम लोगों ने डिस्कस की वो स्वयं में है कि बहुसांस्कृतिक समाज में टू डेवलप एन एलिमेंट ऑफ यूनिटी इन इटसेल्फ इज़ ए बिग चैलेंज। तो पहली आलोचना तो ये है कि बहुसांस्कृतिक समाज के जो एडवोकेट्स हैं उन्होंने कोई ऐसा दृष्टिकोण हम लोगों को नहीं दिया कि कैसे बहुसांस्कृतिक समाज में एकता को स्थापित किया जाए। दूसरी चीज़ ये है कि बहुसांस्कृतिक ये मल्टीकल्चरल दृष्टिकोण जो है ये उन माइनॉरिटीज़ के ऊपर किसी प्रकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देता कि हाउ दे शुड बी बिहेविंग फॉर द गुड ऑफ द सोसाइटी एज सच। उनको क्रिटिसिज्म का आधार वो देता है, सब कुछ देता है, लेकिन उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में उनको आगाह नहीं करता, उनको नहीं बताता कि टू वॉट एक्सटेंट दे शुड क्रिटिसाइज। वो लक्ष्मण रेखा क्या होनी चाहिए जिसमें कि जो डोमिनेंट कम्युनिटी है, जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है, वो आहत ना हो, क्योंकि अल्टीमेटली गवर्नमेंट हैज़ टू रन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ डेमोक्रेसी विच मीन्स बेसिकली द लार्जर नंबर्स। तो जिसका भी वो कोई स्ट्रक्चर्ड नंबर्स नहीं होते हैं, लेकिन वो एक फ्लूइड चीज़ होती है कि कौन किधर जा रहा है किधर आ रहा है, लेकिन फिर भी जो डोमिनेंट कम्युनिटी होती है उसको ऐसा इतना लेवल तक नहीं पहुंचा देना चाहिए, पुश अगेंस्ट द वॉल नहीं कर देना चाहिए कि उसको लगने लगे कि जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है वो अब हमारे बिल्कुल ही विरुद्ध हो गई है, ऐसा नहीं लगना चाहिए। तीसरी चीज़ जो इसमें बहुत महत्वपूर्ण है आलोचना में कि जो कल्चरली डोमिनेंट ग्रुप है वो ये तो एडवोकेट करता है मल्टीकल्चरलिज्म कि भाई जो तमाम समाज में समूह रहते हैं उन समूहों को डिफरेंशिएटेड ग्रुप राइट्स होने चाहिए। लेकिन मान लीजिए किसी ग्रुप को आपने कोई अधिकार दिया, लेकिन उस ग्रुप में तो बहुत सारे सब ग्रुप्स भी होते हैं। तो जब आप किसी ग्रुप को कोई अधिकार देते हैं तो वो अधिकार उस पूरे ग्रुप के जो इलीट्स होते हैं उनके द्वारा मोनोपोलाइज कर लिया जाता है, और उस अधिकार को वो अपने सब ग्रुप को पासान नहीं कर पाते, ख़ासतौर से जो मार्जिनलाइज सेक्शंस होते हैं वो नहीं उसका एडवांटेज ले पाते हैं। और विशेष रूप से यही फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म ऑफ मल्टीकल्चरलिज्म भी है, जो महिलावादी हैं, जो फेमिनिस्ट एडवोकेट्स हैं, वो यही कहती हैं कि मान लीजिए किसी ग्रुप को आपने ग्रुप राइट्स दे दिया, बट वॉट अबाउट द वीमेन इन दैट ग्रुप। वो ग्रुप अपनी महिलाओं को वो अधिकार पासान नहीं करता है, वो महिलाओं का शोषण करता रहता है, और इसलिए बावजूद इसके कि आपने किसी ग्रुप को माइनॉरिटी ग्रुप को कुछ स्पेशल राइट्स दिए हैं, दोज राइट्स आर जस्ट एक्सप्लॉयटेड बाई दैट ग्रुप पर्टिकुलर ग्रुप इन देयर ओन इंटरेस्ट, एंड हर मेम्बर उस ग्रुप का बेनिफिटेड नहीं होता, खासतौर से जो मार्जिनलाइज लोग होते हैं स्पेशली वीमेन, वो उसका एडवांटेज नहीं भी उठा सकते हैं। तो ये इस प्रकार की आलोचनाएँ होती हैं। आप और आलोचनाएँ भी पढ़िएगा, ये मल्टीकल्चरलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रायः ये परीक्षाओं में पूछा जाता है, और इसलिए इस संबंध में अपने को अपडेट रखने की भी बहुत आवश्यकता है। जो डेवलपमेंट्स होते हैं, लेटेस्ट डेवलपमेंट्स उसको आप देखिएगा। इस संबंध में अगर आपके कोई प्रश्न हो, कोई विचार हो, तो जरूर हमसे शेयर करने की कृपा करिएगा। थैंक यू वेरी मच।